बनारस चौक पे हम मौजूद हैं, क्या मसाइल हैं यहाँ पे? बनारस चौक पे तो मसाइल बहुत सारे हैं। जब से ये पुल पर काम शुरू हुआ है, इसका एक साइड जो है ना वो उसको खोल दिया है, दूसरा साइड भी बंद है, और पूरा ये तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से लेकर वो वलीका हॉस्पिटल तक, यहाँ से लेकर वो बोर्ड ऑफिस तक, और इस तरफ मेट्रो सिनेमा तक, ये सारा जो है ना रोड डैमेज है। पिछले 5 साल से कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, जब से फ्लाई ओवर बना हुआ है 5 साल से ये रोडें ख़राब है, बिल्कुल आप देख रहे हो खुद, 5 साल से कारोबार का बेड़ा तबाह है, 99% जो है ना कारोबार ख़राब हो गया। बदनाम करते हैं बनारस को, बनारस में कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अमन की जगह है, लेकिन ये इसी की वजह से जो है ना जहाँ पे हालात ख़राब होते हैं लोग आते नहीं, डर की वजह से यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बताओ क्या जो टारगेट किलिंग हो करते हैं लोग, या भत्ता लेते हैं, या लूट मार करते हैं, या स्ट्रीट क्राइम करते हैं, वो दुकानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दुकानदारों के पास भी आते हैं? नहीं नहीं, दुकानदारों को तो यही नुकसान है कि उसका कारोबार ख़राब है, और क्या नुकसान है। इन जो लोग बनारस नहीं आए, पाकिस्तान भर में प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको ये बताना चाहेंगे कोई ये छोटी रोड नहीं है, ये अच्छा खासा बड़ा एरिया है। यहाँ पर पहले जो है तकरीबन आज से 7-8 साल पहले यहाँ पे जो है एशिया की सबसे बड़ी चौरंगी थी, जो यहाँ पे हो गया ख़राब कर दिया लोगों ने। इस चौरंगी में जो था एक मार्केट था, दूसरा हॉस्पिटल था, तीसरा थाना था, और चौथा जो है वाटर पंप था। सब जो है देश व नाबूद हो गए, लोगों के कारोबार बिल्कुल गर्क हो गए, लेकिन उसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता था। अब कम से कम ये ब्रिज बनने से यहाँ से क्रॉस तो कर जाते हैं लोग, तो कर जाते हैं, लेकिन भाईजान नीचे वाले के क्या कसूर, नीचे लोग कोई लोग नहीं रह रहे। तो सही बात है, अगर ब्रिज बना ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ब्रिज के नीचे जो दो अतराफ की जो सड़कें हैं वो नहीं बन सकी, जिसकी वजह से सारा मसला है। अगर ये अतराफ की सड़कें बन जाती, ये इलाका साफ सुथरा हो जाता, फुटपाथें बन जाती, तो आप लोगों को शायद शिकायत नहीं होती इतनी। होती बिल्कुल नहीं होती जी, बिल्कुल बहुत बहुत बनारस के साथ बहुत ज्यादती हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। यहाँ गाँवों में ऐसे जो मीडिया वाला बदनाम करते हम लोगों को, बोलते भाई बनारस में ये हुआ, कस्बा में हो जाते तो वो भी बनारस का नाम देते, मेट्रोल में हो जाते वो भी बनारस का नाम देते, जब एक नंबर कजापी चौक में हो जाते वो भी बनारस का नाम देते। तो ये मेहरबानी करे मीडिया वाले, ये आराम करे इस आवाम के ऊपर, ये नहीं दिए बस। तो बात उन्होंने कही, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और इस इन इलाकों को समझना भी असल में मुश्किल बात है, तो इतनी आसानी के तौर पे अतराफ के किसी भी इलाके में कोई वाकया होता है दहशतगर्दी का, तो बनारस से उसको जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ का कारोबार डिस्टर्ब होता है और बदनामी होती है। फिर आबाद थाने के साथ यहाँ से लेके मंगापिर तक एरिया है, सही है, तो मंगापिर में भी हो जाते तो बोलते बनारस, फिर आबाद थाना नहीं बोलते, फिर आबाद थाने के एरिया में हो जाते बोलते बनारस बादशाह खान चौक में ये हो गया, टारगेट क्लीनिंग हुआ, ये हुआ वो हुआ। इस वक्त हम हैं बनारस की मशहूर शू मार्केट में, जहाँ के सैंडल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, और एक वक्त था कि पूरे पाकिस्तान से बल्कि दुनिया से लोग यहाँ पे सैंडल लेने आते थे, आज भी आते हैं लोग सर? क्या सर, बहुत हालात की वजह से, सड़क की वजह से और यहाँ पे हालात डकैतियों की वजह से बहुत से मसाइल है, सड़क हमारी है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़े हैं और सड़क भी नहीं है, सब कचरा जो भी है ना मकसददार है, मीडिया वाले ने भी ज़्यादातर हमको बदनाम कराया है, थोड़ा सा मसला हो जाता है कहीं और भी हो जाता है तो सब यहाँ आकर बनारस की इशू बना लेते हैं, उसके पर पूरा जो है ना मीडिया पूरी पाकिस्तान में उसको बिला लेते कि भाई यहाँ पे ये हो गया, गाड़ी नहीं आ सकता, गाड़ी नहीं खड़ा सकता, कोई हालात ऐसा हालात है जिसको भी देखो कहीं जेब मारता है, कोई मजदे में ऐसा हालात है, कोई एक बंद में नहीं आ सकता इधर, हमारा हालात इस पुलिस की वजह से, ये उसके साथ मिला हुआ है, सब मिला हुआ है, नहीं हालात ऐसा, दिन में एक जोड़ा बेचते हैं तो एक किराए किसको दे दे, किराए को दे दे, सेलमैन को दे दे, किसको देंगे, हमको तो कोई भी नहीं देता, 150 रुपये लेते हैं, 150 रुपये में हम क्या खाएंगे। आपकी खसूसी जो चप्पलें होती हैं जो कि बड़ी मशहूर हैं, वो कुछ दिखाएंगे लाके, ताकि जो है हम अपने व्यूवर्स को पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि कितनी खूबसूरत चप्पलें यहाँ पे मिलती हैं। नाज़रीन, चप्पलें हमने मंगवाई थी, बहुत ही खूबसूरत चप्पलें मुख्तलिफ दुकानों से हमारे पास आ गई हैं, ज़रा इनकी डिटेल कुछ बताएंगे आप? खूबसूरत चप्पल है और पिशौरी है, जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं यकीन करो दूसरा चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। ये बताएं ये बनती कहाँ पर है? ये इधर ही बनती है, बनारस चौक में बन रही है, मार्केटें हैं, कारीगर है, जो ज़्यादा बिक्री होता है तो फिर आदमी एक दुकानदार। जो चप्पल है ये चप्पल, ये सैंडल जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 450 रुपये। ऐसा हमें देख के तो नहीं बोल रहे आप, ऐसा था कि देख के नहीं है, प्रोग्राम देख के बहुत सारे लोग आ जाएंगे अब लेने के लिए हैं। करो दुकानदार 400 पर भी दे देते हैं क्योंकि खर्चा नहीं होता लोगों के पास। इतनी ज़बरदस्त मार्केट है लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह ये लोग जो बता रहे हैं वो है कि एक तो सड़क का ना बनना ब्रिज के नीचे, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का मसला। इसके अलावा भी कोई मसला है क्या?
मसला यही कि ये हालात ख़राब है, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा रोड सीधा कर लो, तैयार कर लो, काम शुरू हो जाए, हमारा हालात बिल्कुल ख़राब है। एक बात तो आप तारीफ करेंगे ना कि ये ब्रिज बन गया, जो ट्रैफिक जाम रहता था वो मसला तो हल हुआ है। इंशाल्लाह वो हल हो गया, वो हल हो गया, लेकिन अभी तो आया नहीं गाड़ी, जो गाड़ी आएगा तो फिर आप देख लेना, फिर वही हालात होगा, लेकिन ये होगा कारोबार सही होगा। कामी हुकूमतों में ये ब्रिज बना है, ये अच्छी बात है, लेकिन ब्रिज के नीचे की जो सड़कें हैं अगर वो भी बन जाएं तो इनके कारोबार चल पड़ेंगे। और हमारी दुआ है आपके कारोबार जो है रोज़ बरोज़ तरक्की करें, और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आके चप्पलें खरीदते थे, यहाँ पर आके सस्ते मलबूसात खरीदते थे, शादी विवाह के कपड़े खरीदते थे, जोड़े खरीदते थे, वो यहाँ पर आएँ और वो खरीदें।